पहले तो छुआछूत नहीं थी, बाद में कैसे आ गई। मैं आज इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुसलमान अपनी औरतों को बुरके में रखते थे और आज भी रखते हैं। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आज का विषय नहीं है। इसलिए सुबह की जो प्रातः क्रिया है शौच करने के लिए, पुरुष तो जंगल में चले जाते थे, महिलाएं नहीं जाया करती थी मुसलमानों की, वो घर के अंदर ही एक कोने में करती थी। कौन खाए, कौन सफाई करे। उन्होंने रास्ता निकाला, पूरे देश के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे थे, जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण का मंदिर तोड़ा गया, ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों मंदिर तोड़े। लोगों पर जजिया लगाया जा रहा था, या तो मुसलमान बनो या जजिया दो, जबरदस्ती टैक्स दो। लेकिन कुछ ऐसे बहादुर लोग थे जिन्होंने ना धर्मांतरण किया, अपना धर्म नहीं छोड़ा, और जिन्होंने जजिया भी नहीं दिया, उनके सामने झुके नहीं, तो उनके लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सजा दी, तुम सब मैला उठाओगे। ये इतिहास सिद्ध तथ्य आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, पूरी दुनिया को चुनौती देता हूं, मैं इस पर शास्त्रार्थ कर सकता हूं। मैला ढोने की परंपरा ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद में शुरू होती है, और तभी उन्होंने इनको अस्पृश्य कहना शुरू कर दिया, इनका वहां पर आना जाना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो भाव दुर्भाग्य से समाज के अंदर आना शुरू हो गया। आज इस पवित्र मंदिर में, इस पवित्र मंच पर खड़े होकर मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, जिन्होंने जजिया देना स्वीकार नहीं किया लेकिन मैला ढोना स्वीकार किया, वो अछूत नहीं है, वो धर्मवीर है, वो धर्म योद्धा है, वो छुआछूत के नहीं सम्मान के अधिकारी है। आज हमारी पहचान अगर दुनिया में बची है, आज हमारा दर्शन अगर पूरी दुनिया में फैला है, तो उसका श्रेय उन्हीं जातियों को जाता है जिनको दुनिया ये कहती है कि ये अछूत। रामायण हम सबको ध्यान में, भगवान वाल्मीकि ने रची। महाभारत किसने रची? तो महाभारत की रचना भी वेद व्यास ने की थी।